Very good morning, children. So here I am with the second part of the same lesson, Black Beauty. So हमने first part में क्या देखा था कि एक horse का बच्चा है जो अभी अपने मतलब बिकने से पहले अब उसकी mother उसको सब कुछ सिखाती है कि उसका काम क्या है. वो बहुत खूबसूरत है, उसके जो grandfathers वगैरह हैं उसका उस field में बहुत नाम है. वो एक बहुत शान से चलने वाले क्या कहते हैं जिसमें horse ride की जाती है, जो programs में use किए जाते हैं इस तरीके का एक बहुत शानदार घोड़ा है. उसके अलावा भी वहाँ पे उसके जो उसका जो खेत है उसके मालिक ने और भी कई घोड़े पाल रखे हैं जो कि cart horses हैं जो बग्घी के आगे लगाए जाते हैं. बट ये जो है ये एक स्पेशल हॉर्स है और इसकी मदद इसको अब हर चीज़ उसको जो उसकी क्वालिटीज़ जो उसके अंदर होनी चाहिए उसके लिए ट्रेन कर रही है. तो हम ये उस घोड़े की ज़ुबानी उसकी पूरी जो हिस्ट्री है वो कैसे सीखता है कैसे क्या करता है वो सुन रहे हैं इस स्टोरी के माध्यम से. और जो हमारा ब्लैक ब्यूटीफुल सा हॉर्स है उसका नाम क्या है, डाकी. सो When I was 4 years old, my second owner, Squire Gordon, came to look at me. अब जब वो 4 साल का है तो उसका जो second owner, मतलब वो जब अब वो बेचा गया है तो उसका जो second owner है वो आया हुआ है उसे देखने के लिए. Now let's see कि जब उसे देखने आता है तो क्या होता है. He examined my eyes, my mouth and my legs and then I had to walk and trot and gallop before him. अब वो एग्जामिन करता है उसकी आंखों को, उसके मुंह को, उसके लेग्स को. वो उसकी क्वालिटी देखने की यहाँ कोशिश कर रहा है और उसको उसके सामने से चल के उसको आगे के तरफ पैरों को उठा के चल के जैसे ट्रॉटिंग की आवाज़ करते हुए थोड़ा सा जंप करके अपने आप को अपनी क्वालिटीज़ को शो करना होता है उस घोड़े को अपने उस नए मालिक को कि वो उसे पसंद आए, वो उसे परचेज करें. He seemed to like me, और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मुझे अब पसंद कर रहा है. And said, when he has been well broken in, he will do very well. और उसने कहा कि when he has well broken in, he will do very well. जब ये पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा, इसका जो ये जो ट्रॉट है, जो उसके पैरों के नीचे जो एक खोद के जिसके खट खट आवाज़ आती है वो जब पूरे तरीके से लगा दी जाएगी तो मैं बहुत ज़्यादा और अच्छा करने की करूँगा. Everyone may not know what heartbreaking in this in is. Therefore, I will describe it. It means to teach a horse to wear a saddle and bridle and to be on his back a man, woman or child to go just the way they wish. अब ये एक क्या किस तरीके का ये एक जो इसने बोला है कि इसको जब लगा दिया जाएगा ये क्या लगाने की बात हो रही है यहाँ पे. एक तरीके का सैडल होता है. सैडल मतलब इसमें घोड़े का जो फ्रंट का माउथ होता है उसको पीछे की तरफ कस दिया जाता है लोहे का एक कवरिंग टाइप से लगा के उसकी आंखों को स्ट्रेट करके उसका ऊपर का जिसकी वजह से उसकी गर्दन सिर्फ एक पोर्शन में तनी रहती है और वो बैक साइड से उसके जुड़ा होता है जिसकी वजह से जो हॉर्स होता है वो बहुत स्मूथली अपनी जो अपने जो नेक है उसको मूव नहीं कर सकता. वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है. तो ये घोड़ा बता रहा है कि जो लोग ये नहीं समझ पाए कि क्या लगाने की बात हो रही है तो उनको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है जिसकी हेल्प से वो किसी बच्चे को या किसी वुमन को या मैन को अपने बैक पर कैरी कर सकते हैं उस पर बैठा के और उन्हें ऐसी पोजीशन में बहुत क्वाइटली मूव भी करना होता है. बिसाइड्स दिस ही हैज़ टू लर्न टू वेयर अ कॉलर, अ क्रपर एंड अ ब्रीचिंग. अब उसके अलावा उसको कॉलर, क्रपर्स मतलब ये सारी चीज़ें जो उसके स्टैंड एक हार्नेस जो उसका होता है जिसमें उसको पीछे बैठने की जगह को उसके गले से नेक से किसी एक स्टैंड या कुछ लगा के टाइट किया जाता है जिससे उसका जो आगे का माउथ वाला पोर्शन होता है वो ऊपर की तरफ खिंचा हुआ होता है. वो बहुत स्मूथली अपना अपनी जो गर्दन उसे मूव नहीं कर पाता है और उसके पीछे एक कार्ट या कुछ भी ऐसा बैठने के लिए स्टैंड टाइप का या मतलब कुछ सिटिंग का पोर्शन एक अटैच किया जाता है जिससे एक हॉर्स एक प्रॉपरली मतलब तैयार हो जाता है उसके ऊपर बैठ के सवारी करने के लिए. इस तरीके से उसका पूरा उसको सजाएंगे, उसको तैयार करेंगे. देन टू हैव अ कार्ट और चेज फिक्स बैठना उसके पीछे या तो कोई कार्ट या कुछ बैठने के लिए इस तरीके का फिक्स किया जाएगा. सो दैट ही कैन नॉट वॉक और ट्रॉट विदाउट ड्रैगिंग इट. उससे जिसकी वजह से क्या होगा कि वो बिना उसको खींचे मतलब मूव नहीं कर पाएगा और कूद नहीं पाएगा और वो उसके पीछे ड्रैग होने पे चलेगी. एंड ही मस्ट गो फास्ट और स्लो. उसके अलावा उसके ऊपर एक कंट्रोल बनेगा इससे जिससे उसको फास्ट और स्लो वो मूव करा सकता है जैसे भी ड्राइवर चाहेगा. जस्ट एज इज ड्राइवर वांट्स, जैसे कि उसका ड्राइवर चाहेगा वैसे वो उसको उस हार्नेस के थ्रू जो स्टैंड उसको पूरा सब लगा के पहनाया गया है जैसे उसके ड्राइवर की इच्छा होगी. उसको तेज चलाना चाहेगा तो तेज मूव करेगा, मतलब उसको स्लो मूव करवाना चाहेगा स्लो मूव करेगा. ऑलमोस्ट वो एक तरीके का
प्रेशर होगा जो उस हॉर्स के ऊपर अब वो क्रिएट कर सकता है ड्राइवर, वो पूरे जो फिटिंग्स हैं उस हॉर्स को लगाने के बाद. ही मस्ट नेवर स्टार्ट एट वॉट ही सीज, नॉर स्पीक टू अदर हॉर्सेज, नॉर वाइट नॉर केक नॉर नॉर स्पीक टू अदर हॉर्सेज नॉर वाइट नॉर केक नॉर हैव एनी विल ऑफ हिज ओन. अब इस जब ये सारी चीज़ें घोड़े को लग जाती हैं तो फिर क्या होगा कि वो घोड़ा जो होगा वो ना अपनी मर्जी से देख सकेगा, ना वो कुछ बोल पाएगा दूसरे हॉर्सों से, ना वो बात करना चाहेगा, ना वो अपनी गर्दन को प्रॉपरली अपनी मर्जी के मतलब अनुसार मूव कर पाएगा, ना वो काट सकेगा और ना वो किक कर सकेगा. वो ओवरऑल जो ड्राइवर होगा उसके उसके कंट्रोल में आ जाएगा. और फिर जो एक किसी घोड़े की अपनी खुद की इच्छा होती है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा, मतलब वो ओवरऑल सिर्फ एक पपेट बन के रह जाएगा अपने ड्राइवर की. बट ऑलवेज डू हिज मास्टर्स विल, लेकिन वो हमेशा अपने मास्टर की विल पूरी करेगा, इवन दो ही मे बी वेरी टायर्ड और हंगरी. और ये तब भी उसे करना पड़ेगा, वो मजबूर होगा क्योंकि उसको वो कॉलर्स वगैरह बन चुके हैं और उसको इतना वो पेनफुल होगा कि वो उसकी मजबूरी हो जाएगी कि भले ही वो भूखा हो या थका हुआ हो उसको अपने मालिक के अकॉर्डिंग काम करना है. बट द वर्स्ट ऑफ ऑल इज वेन हिज हार्नेस इज वंस ऑन, ही मे नीदर जम्प और जॉय नॉर लाई डाउन फॉर वेयरनेस. अब लेकिन सबसे बुरी बात इस चीज़ की क्या होगी, जब उसको ये पूरा जो स्टैंड और ये जो हार्नेस बन जाएगा उसके बाद ना वो खुशी से जंप कर सकता है, ना वो नीचे लेट सकता है अपनी मर्जी से, क्योंकि वो बहुत पेनफुल होगा. तो उसके बाद उसकी लाइफ पूरी एक सिर्फ ड्राइवर के कंट्रोल में ही रह जानी है. सो यू सी दिस ब्रेकिंग इन इज अ ग्रेट थिंग. तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो ब्रेकिंग इन था, जो भी ये सैडल लगाना, ये जो उसने ब्रेकिंग इन वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, वो कितनी बड़ी चीज़ है. आई मस्ट नॉट फॉरगेट टू मैंशन वन पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग, लेकिन मुझे नहीं भूलना चाहिए आपको एक और पार्ट अपनी ट्रेनिंग का, भी ये सैडल लगाना, ये जो उसने ब्रेकिंग इन वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, वो कितनी बड़ी चीज़ है. आई मस्ट नॉट फॉरगेट टू मैंशन वन पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग, लेकिन मुझे नहीं भूलना चाहिए आपको एक और पार्ट अपनी ट्रेनिंग का बताना, विच आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड अ वेरी वेरी ग्रेट एडवांटेज, जिसको वो हमेशा से एक बहुत बड़ा एडवांटेज समझता था अपने लिए. माई मास्टर सेंट मी फॉर अ फोर्टनाइट टू अ, अब उसका जो मास्टर है वो उसको एक रात के लिए कहाँ भेजता है, लेट्स सी कि उसका मास्टर ये सारी चीज़ें उसको तैयार करता है, उसके बाद उसे कहाँ भेजता है. अब उसका जो मास्टर है वो उसको एक रात के लिए तैयार करने के बाद नेबरिंग फार्मर हु हैड अ मीडो विच वॉज स्कर्टेड ऑन वन साइड बाय अ रेल ट्रैक, वो उसको एक रात के लिए कहाँ भेजेगा, अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे जो एक अपने बगल वाले फार्मर के पास जिसके खेत के जस्ट साइड में एक साइड में एक रेल ट्रैक है. Here were some sheep and cows and I was turned in among them. और जहाँ पे कुछ भेड़ बकरियाँ और गाय होंगी और उनको उन्हीं के उसके बीच में रखा जाएगा. I shall never forget the first train that ran by. और मैं शायद उस पहली ट्रेन को कभी नहीं भूल पाऊंगा जो वहाँ से निकले गुजरेगी. I was feeding quietly near the pails and before I knew when hence it came with a rush and a clatter and a puffing out of smoke, a long black train of something flew by and was gone almost before I could draw my breath. I turned and galloped to the further side of the meadow as fast as I could go and there I stood snorting in astonishment and fear. अब उसको वो कभी नहीं भूलेगा वो जो पहली ट्रेन उसके मतलब जो क्या कहते हैं जहाँ वो खेत में उसको एक दिन के लिए भेजा जाता है वहाँ के बगल से गुजरती है, क्योंकि वो उसके लिए एकदम नई चीज़ होती है. वो उन काउस के बीच में शायद खाना खा रहा होता है, वो सडनली एक बड़ी सी लंबी सी ट्रेन धुआं छोड़ते हुए एकदम आवाज़ निकालते हुए निकलती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंप करके और दूसरे साइड पर भाग के छुप के जाता है, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कि अचानक से इतनी अजीब सी चीज़ क्या आ गई है. एंड ही वॉज exactly not prepared for that. So ये उसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा फेयर होगा जो वो शायद कभी नहीं भूल पाएगा. इन द कोर्स ऑफ द डे मैनी अदर ट्रेन्स वेंट बाय, और उसके बाद एक के बाद एक दिन भर में कई ट्रेनें वहाँ से और गुजरेंगी. आई थॉट इट वॉज वेरी ड्रेडफुल, लेकिन वो बहुत डरावना होता है. बट द काउज वेंट ऑन ईटिंग वेरी क्वाइटली, लेकिन जो वहाँ गाय और शीप्स होते हैं वो बहुत क्वाइटली खाना खाते रहते हैं. एंड हार्डली रेज देयर हेड्स एज द ब्लैक फाइटफुल थिंग केम पफिंग एंड ग्राइंडिंग पास्ट, लेकिन वो तो सर उठा के भी नहीं देखते जब वो ब्लैक बड़ी सी खतरनाक सी चीज़ जो वहाँ से गुजरती है, क्योंकि वो जो गाय और जो शीप्स थे वो उस चीज़ से आदी रहते हैं. बट ये जो हॉर्स होता है इसके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होता है. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज आई कुड नॉट फीड इन पीस, लेकिन वहाँ के स्टार्टिंग के जो कुछ दिन थे वो कुछ टाइम के लिए मतलब शांति से खाना भी नहीं खा पाया था. बट एज आई फाउंड दैट वेरी टेरेबल क्रिएचर नेवर केम इन टू द फील्ड,
बस और डेड मी एनी हार्म। लेकिन जब उसको ये समझ में आया कि वो जो बड़ा अजीब सा जो टेरेबल सा क्रीचर आ जाता है वो अचानक से फील्ड में, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्रीचर आ जाता है वो अचानक से फील्ड में, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आई बिगैन टू डिसरिगार्ड इट, फिर मैंने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। सून आई केयर्ड एज लिटिल अबाउट द पासिंग ऑफ अ ट्रेन एज द काउज एंड शीप डिड। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि वो उस चीज़ को, मतलब वो चीज़ उसके लिए कॉमन हो गई जैसे उन काउज और शीप्स के लिए हो गई थी। तो वो जो फोर्टनाइट की बात कर रहे थे उसमें यहाँ पे ये मतलब था उनके कहने का कि जब वो पहली रात जब वो बेचा जाता है, 4 साल का बच्चा होता है और जो वो अपने सेकंड ओनर को बेचा जाता है, तो उस खेत में जो उसकी पहली रात होती है वो ऐसी होती है। वो फोर्टनाइट के लिए मतलब वो एक दिन के लिए, पहले तो स्टार्टिंग में जब पहली रात उसको गुजारनी होती है जब वो किसी नए ओनर के पास जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो ओवरऑल ये बता रहा था। Then, since then I had never seen many horses, much alarmed and restive at the sight of a sound of a steam engine. But thanks to my good master's care, I am a fearless and at railway stations as I am in my own stable. अब वो finally उस चीज के लिए आदी हो चुका है और वो बहुत fearless हो चुका है railway station से, और उसको अब वहाँ पे भी अगर खड़ा होना पड़ता है तो उसको ये लगता है कि वो उसका खुद का स्टेबल है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, इस चैप्टर में हमने देखा कि एक ब्लैक कलर का हॉर्स है, बहुत ब्यूटीफुल सा, वो अपनी स्टोरी खुद अपने शब्दों में बता रहा है कि कैसे एक एनिमल को क्या क्या चीज़ें उसकी लाइफ में फेस करनी पड़ती है तैयार होने के लिए, उससे पहले कि वो कैसा हॉर्स है, उसको कैसे वेल बिहेव करना चाहिए, कितने अच्छे से रहना चाहिए, किसी को काटना नहीं चाहिए, किसी को किक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो जिन जिन घोड़ों के साथ वो खेलता है वो सिर्फ कार्ट हॉर्सेज हैं, वो बग्घी में लगाने वाले हॉर्सेज हैं और वो बहुत ज़्यादा इल मैनर्ड है, लेकिन वो एक बहुत अच्छी ब्रीड का हॉर्स है तो उसको ये सारा बिहेवियर नहीं सीखना चाहिए। उसके बाद जब वो 4 साल का होता है तो उसका जो मास्टर होता है वो उसे किसी और को बेचता है, तो जब वो उसे बेचता है तो उसको वो नकल्स टाइट करे जाते हैं, उसके नकल्स में स्टैंड लगा के उसके आगे के माउथ को ऊपर की तरफ स्टैंड से पीछे टाइट किया जाता है बैठने के लिए, उसके ऊपर कैरेज बनाया जाता है जिसकी वजह जिससे वो लोगों को बैठा सके अपने ऊपर, और वो कितना पेनफुल होता है वो लगवाना। उसके बाद जब उसको वो पहली रात अपने नए मास्टर के यहाँ गुजारनी पड़ती है जहाँ पे वो एक बड़ा सा हैवी सा बहुत भयानक सा क्रीचर निकलता है जो कि एक ट्रेन होती है, बट उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस होता है क्योंकि इसके पहले उसने कभी वो ट्रेन या कभी इस तरीके की बड़ी सी कोई चीज़ देखी नहीं होती है। और वो शीप्स एंड काउस के साथ अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, कुछ दिन बाद वो उन चीज़ों से आदी हो जाता है और वो अपने काम को समझ चुका है कि उसका ये काम है और वो उन चीज़ों में एकदम रम चुका है। तो अब वो कहता है कि थैंक्स टू माय गुड मास्टर जिसने मुझे ये सब कुछ सिखाया, और अब मुझे डर नहीं लगता है। जब भी मैं किसी रेलवे स्टेशन के पास खड़ा होता मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी अपने स्टेबल में हूँ। मतलब वो अब अपनी ये जो इन जो उसकी अब डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा हो चुका है वो उन सारी चीज़ों का एकदम आदी हो चुका है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, वील प्रैक्टिस सम एक्सरसाइजेस आफ्टर दिस चैप्टर, थैंक यू।